बहुत अच्छा लग रहा है भाई, जब हौसला बढ़ रहा है, छाती पटन का इरिश है। लड़कियों को पहले बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, अंदर रखते थे। बंद रखा कर दिया हमने तो। अरे लड़के ना मैंने खजड़ती उठा जाती हूँ डो, बस नीचे नाड़ ना कराइयो। आज आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत चाह चढ़ रहा है, जमा चढ़ रहा है, मेरा बाप दादा के नीचे नाड़ करी छोरी ना है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। और खेलों का हब कहा जाने वाला गांव सुमैन लगातार गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ रहा है, कभी लड़कियां तो कभी लड़के। तो आज फिर खो खो के अंदर ब्रॉन्ज मेडल लेकर लड़की गांव में पहुंची, और गांव में पहुंचने पर पूरा गांव ने उनका भव्य स्वागत किया है। तो उनके कोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कहाँ पर ये जो गेम थे वो चले हुए थे और कौन सी इन्होंने जो गोल्ड मेडल है या ब्रॉन्ज मेडल है, किस प्रकार का मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। सर नमस्कार। नमस्कार। गेम थे ये MP के जबलपुर में 54वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप हो रही थी वुमेन सीनियर। इसमें हरियाणा ने कोल्हापुर को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था, और वहाँ सेमीफाइनल में एयरफोर्स अथॉरिटी से हम 2 पॉइंट से लूज कर गए और ब्रॉन्ज मेडल से हमें संतोष करना पड़ा था। लगातार गांव सुमैन है जो खेलों का हब बनता जा रहा है, और कई सालों से कबड्डी को लें या खो खो को लें तो लड़कियाँ हैं बड़े बड़े जो इनाम लेकर आ रही हैं, क्या कहेंगे? ये सारे बच्चों की मेहनत का फल है, और हमें तो दोनों टाइम ग्राउंड पे जाने, लेकिन बच्चे हमारे से ज़्यादा मेहनत करते हैं, और ये इनकी मेहनत का नतीजा है कि आज बच्चे इस मुकाम तक पहुँचे। हम आशा करेंगे कि बच्चे आगे ओलंपिक तक जाएं और अब हमारे काम का नाम रोशन करें और अपनी कामयाबी हासिल करें। तो ये जीत कर आई है लड़की, इसको DJ के साथ गाँव में लेके जाएंगे, इनका स्वागत किया जा रहा है, इससे बच्चों का हौसला भी बढ़ता है। हमारे साथ कबड्डी कोच राजवीर गिल भी मौजूद हैं, सर क्या कहेंगे? ये इनके कोच की मेहनत है, सो कि बहुत दिनों से मेहनत करा रहे हैं सुबह उठकर। ये हमारी लड़कियों में बहुत हौसला है, मैं कहूँ लड़कों में भी ऐसा होना चाहिए, हमारी लड़कियाँ बॉक्सिंग में भी कबड्डी में भी। हमारे जो पहली बार चंडीगढ़ में नेशनल चैंपियनशिप पहली बार हरियाणा जीता था, उसकी हमारे ही गांव की लड़की कप्तान थी। आज खो खो में हमारे गांव की लड़की ने नाम ऊंचा किया हमारे गांव की, और जो सरकार अच्छा ध्यान दे तो ओलंपिक के खिलाड़ी भी निकल सकते हैं। तो लड़की हमारे साथ मौजूद है, कैसा लग रहा है गुड़िया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आई। सर क्या कहेंगे, आपके गाँव की लड़की आज जीत कर आई है? बहुत खुशी की बात है जी, हमारे गाँव के बच्चे जब कोई जीत कर आते हैं तो गाँव में बहुत अच्छा लगता है, गांव के भी प्रदेश का देश का नाम रोशन होता है, जिसे बहुत अच्छा लगे हमें तो, बहुत ही बढ़िया रहता है। तो हमारे बच्चे खेलें, खेल के आगे आए, अगर पूरा ध्यान दिया जाए, इनके कोच भी काफ़ी मेहनत करते हैं। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे बच्चों? सरकार से भाई इन्हें खेल की जितनी भी सुविधाएँ हैं वो पूरी मिलनी चाहिए, जिनको खेल स्टेडियम में पूरा सामान है वो सारा स्टेडियम में मिले तो ये और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो देखा, ग्रामीणों की अपील है सरकार से कि वो गांव के जो स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है, उसके अंदर हर प्रकार की सुविधा देने की अपील की गई है। तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से यही अपील करेंगे, लड़कियों व लड़कों के लिए हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाई जाए। आपके गांव की गुड़िया जीत कर आई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, जब हौसला बढ़ रहा है, छाती पटन का इरिश है। लड़कियों को पहले बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, अंदर रखते थे। बंद रखा कर दिया हमने तो। अरे लड़के ना मैंने खजड़ती उठा जाती हूँ डो, बस नीचे नाड़ ना कराइयो, ये ले अपना सीधी सिद्धांत चलो। बहुत सारे हाँ। अभी भी लड़कियों को खेलने नहीं देते, पढ़ने नहीं देते, तो उन परिवारों से क्या कहोगे? गलत उनका है, नहीं खेलने देते, खेलने देनी चाहिए और कहनी चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए अपना बेटा बेटी ने, भाई बेटी शाबाशी दिए, नीचे नाड़ ना कराइए, सबसे बड़ी बात यह। आज आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत चाह चढ़ रहा है, जमा चढ़ रहा है, मेरा बाप दादा के ऐड करी छोरी ने है, और धन्यवाद।